लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंगामा रसूस बदगा मोहम्मद मुसाद रिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल स्कूल से यहाँ तरह में नजर ना गर्ल्स हॉस्टल इनोग्रेशन यहाँ तरह चलो ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर या इनोग्रेशन बसिन तो इस पे लोग आएंगे इनके बच्चों को ट्रेन करेंगे क्या करेंगे सर ऑलरेडी मतलब बच्चे आ गए हैं तथी सुकुना की है जो कि बहुत जब हम इस लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा दिन गर्ल्स हॉस्टल इनोग्रेशन बासो यहाँ दिवस नल गर्ल्स हॉस्टल छाना दर शिशु गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल दर गर्ल्स हॉस्टल छाना नमो पर्यत गर्ल्स हॉस्टल एनुक जनी सिर सोशल उस पर यहाँ दियानुक चामचिक दियान एम्प्लॉज दिका फिजाज स्कूल कैन या बाकी दियानुक वार्डन सुयोध स्कूल मन अस्सलाम वालेकुम सर हम यहाँ पे ये सब हमारे साथ सारे साथी हैं जो ही गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं यहाँ का जो मील रहता है वो फर्स्ट वीक में हम मील लाते हैं तो सेकंड वीक में एक और थर्ड वीक में हम और जो पनीर वनीर मिल जाते हैं तो हम वो भी लाते हैं और यहाँ का जो कुक हैं हमारे अर्चो मैम हैं और यहाँ पे वार्डन हैं जो कि बाई टेक्नोलॉजी मैम भी रहते हैं और यहाँ पे हमारे सितम मैम भी रहते हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट से बिल्कुल गेट कीपिंग हॉस्टल गचुक बसे मतलब एंट्री सोचा सिक्योरिटी रीजन से कैमरा वैमरा ये देखा योत पा सिक्योरिटी कैमरा भी है और 7 बजे यहाँ पे डोर क्लोज हो जाता है और 7:30 से अराउंड 8 बजे तक यहाँ पे अटेंडेंस हो जाते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस स्किल सेंटर हॉस्टल दू काफ़ी इम्पोर्टेंट दुख पाया क्योंकि हमारे कारगिल में इसका बहुत मांग रहा है क्योंकि जो ब्यूटी को लेके यहाँ पे ज़्यादा नहीं है इसीलिए तो हम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि जो ब्यूटी कोर्स है वो हमारे हॉस्टल में ही ओपन किया है इसके हम बहुत ही मशकूर ममनून हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुपरविजन बेमिंगना दिखा डिग्री कॉलेज करगिल मैम मतलब प्रिंसिपल मैम या बाकी स्टाफ मेम्बर्स तारी पता इंस्पेक्शन स्टडी जरा यो मध्य प्रिंसिपल कभी सरप्राइज चेकिंग के लिए भी आते हैं और हमारी कमेटी मेंबर्स भी हैं जो कि टीचर्स हैं वो भी आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने के लिए हॉस्टल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रूल बच्चा हॉस्टल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जिमनियाजमें फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन गतिस लोकल गति गेम्स यहाँ पे जो अच्छा खासा ग्राउंड बना है उसमें हम खेल लेते हैं जो टाइम निकाल के शाम के टाइम पे इवेंट्स अगर सोशी बस ऑर्गेनाइज चुके हॉस्टल खुरियान इवेंट्स अब डुले तंग गति ईद सब डुले दें बाकी डेज तक सेलिब्रेट होता है सोशी बस कभी कभी यहाँ पे हम पहले खुद स्टूडेंट मिल के एक मीटिंग करते हैं फिर इसके बाद जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं वो करते हैं और कुछ हॉस्टल पार्टीज़ भी रखते हैं रिसेंटली हमने 2-3 पार्टीज़ किए हैं जी चलो हॉस्टल बचस पे अंत चम से थकन अगर मोदी सवाग एनो के सुख बस इंप्रूवमेंट आउंदु फिर सांत दिया शिसल चो खामो बच जो कि हॉस्टल नती फिला मतलब जो जो फारफ्लंग एरिया से जो स्टूडेंट हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि वो लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते कोई कोई स्टूडेंट्स जो सुबह के क्लास को मिस कर देते हैं क्योंकि अब ये जो हॉस्टल है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ हमारे लिए हम टाइम को भी मैनेज कर पाते अच्छे तरह से स्टडी भी कर पाते हैं जो मतलब एक वेल फर्निश्ड रूम भी है हमारे पास जिसमें पर रूम 3 स्टूडेंट्स रहते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती है ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा लगना सोचना छा दियानुक फिजा थकरी मलसा मोन लगना दियानुक और गेला हॉस्टल चिकल दानी होता है छा गा बोमे गिनना दियानुक शेसलिन मिंगना और गेला अपॉर्चुनिटीज होती है खाक लेन में स्टूडेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
दिरिंग गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा गाची कलि शिका स्कोत अर्दुना दिखा स्कोदे गाची स्टूडेंट से इश्यू निज कर जेस अर्दुना बी डी मिश्रा खुरीखा खुस्कोते गार्ल्स हॉस्टेल आना इनोग्रेशन बस और गाचाला लेगेना थका सू दिखा स्कोत पे फिला और गाची दी प्रोग्राम पे आना दोनों बी डी मिश्रा नाम वो से चला लेना थका सूँ मची मची प्रॉब्लम जैसे कि दे अच्छा एग्जामिनेशन प्रॉब्लम सोपिन जैसे कि अच्छी दे कॉलेज अनुक मतलब दे लास्ट डुलिन नुक दे अधुन से बारे अनुक इश्यू सक सोल्व अस्सलाम वालेकुम निमी पमासमा अंजुम से बात गा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्टूडेंट इन देरिंगाची कॉलेज का एल जी साहेब विजिट चूस दोनों अच्छा की एल जी साहेब अंगाची प्रॉब्लम उन सक जैस एल जी साहेब इसकी अच्छा जैस यो मी तो सुनिया अच्छी प्रॉब्लम उन सॉर्ट आउट बस जेरी फैसिलिटीज मैंने गला यो त्यंग चौक चौक ओपन सोंग से ना बोमो मंगमोस दियंग एडमिशन लेंस पिन 50 के उत्सुक आलमोस्ट दक्षम गाचंग 25 to 28 योत दारंग एडमिशन ना न्यू एडमिशन शुरू माचा इन न्यू एडमिशन दांग छचिन फर्स्ट सेमिस्टर पे फिल्ला फीस जो सर रूमी फीस 600 रुपए पर मंथ थी दो ना मैसी फीस जो गाचांची हिसाब ना सुमत एक्चुअली मैं कहूँ कि ये जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है ये 1 ईयर पहले ये कंप्लीट हो चुका है। एज यू नो लड़कियां हमारी हमेशा फार फ्लंग एरिया से आती हैं और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, जो जिनको मैं घर मार्केट में बैठना या कहीं और बैठना डेरा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को मद्दनज़र रख के उनकी तालीम आगे चली जाए ताकि वो किसी चीज़ का बर्डन उस पर नहीं इकनॉमिकल खासकर बर्डन उन पर नहीं पड़े। तो ये गर्ल्स हॉस्टल हमने स्टार्ट किया है जो कि आप फंक्शनल है गॉड विलिंगली, तो जिस वजह से इस गर्ल हॉस्टल को बनाया गया है और इस टाइम 50 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं गर्ल्स हॉस्टल में रिसाइड कर रही हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो है एडमिशन हो गया, फर्दर हमने एडमिशन बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है। तो गॉड विलिंगली हमें उम्मीद है कि और भी 60 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हमारे 81 स्टूडेंट्स का यहाँ एकोमोडेशन है गेस्ट हॉस्टल में। तो ये जो बेटी वेलनेस ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये बेटी एंड वेलनेस ये एक सिकल कोर्स है या सिकल ट्रेनिंग है जो कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे कोई एकेडमिक एजुकेशन कहीं नहीं पूछती है। मतलब कोई भी एजुकेशन कोई भी तालीम जो बच्चे लेते हैं वो आगे उनमें एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्यूटी और सिकल को उसी चीज़ को मद्दनज़र रख के ये ब्यूटी और सिकल सेंटर बनाया गया है। खासकर ये सारा क्रेडिट जो ब्यूटी और सिकल सेंटर का है ये हमारी कमिश्नर मैडम को जाता है। ये ब्यूटी सिकल सेंटर का जो आइडिया है वो उसी ने मतलब इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है। बट ये जो ब्यूटी सिकल सेंटर है या हमारे डिस्ट्रिक्ट के सिकल सेंटर कमेटी है अंडर द चेयरमैनशिप और अंडर द लीडरशिप पर हमारे ये डीसी साहब है उनके लीडरशिप में ये सिकल सेंटर बनाया गया है। तो यह इस दफ़ा कुछ 30 स्टूडेंट्स हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो बहुत जल्दी ही हम सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं 30 स्टूडेंट्स का, 3 महीने का ये कोर्स है। उसके बाद इंशाल्लाह हमें एक एम्प्लॉयबिलिटी का एक अच्छा रिसोर्स एक सोर्स जो है लड़कियों को मिलेगा। तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे अभी डिग्री कॉलेज करगिल में और किस तरह के कोर्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। हाँ मतलब इस ब्यूटी सिकल सेंटर के अलावा हमारा फोटोग्राफी का एक कोर्स इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, डिज़ाइन का एक ये सेंटर का ये क्या कहते हैं हमें एक कोर्स हमारा इंट्रोड्यूस होने वाला है। NIP में और भी बहुत सारे मतलब हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने जिनका अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो समझो 4-5 प्रोजेक्ट्स हमारे इसमें क्राफ्ट सेंटर हमारा एक है वो भी हमारा यहाँ इंट्रोड्यूस होने वाला है NIP के अंडर। सी जिरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तेन सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमांग सुनला ज्वाइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब।